잘 동그라. 아이도 잘 동그라. 밤늦게 뒤순대래. 나나나 잘라베라. गाइज दिस इज धीरज एंड वेलकम बैक टू नियानगर ब्लॉग। दोस्तों आज का दिन है रविवार लाइक संडे। दोस्तों सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी हवा खानी ज़रूरी होती है, तो थारा भाई धीरज 3 बजे उठा है और पूरी तरह से एकदम रेडी हो गया है। अभी तो बजे है 4। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि एक बार लोनावला जाएंगे, क्योंकि मैं अभी तक लोनावला नहीं गया हूँ। तो हमारी 5 बजे की ट्रेन है, तो हम पहुँचेंगे अप्रॉक्स 8 बजे तक। कितनी बार प्लान बना हमारा, कितनी बार कैंसिल हुआ, बट आज वो दिन आ गया है कि आज हम जा रहे हैं लोनावला। एकवीरा आई के दर्शन लेंगे, लेकिन हम सफ़र करते करते सोचेंगे कि हमें क्या करना है, कहाँ पे जाना है, क्योंकि दर्शन लेने में हमें उधर बहुत टाइम जाएगा। इसलिए हम अभी जल्दी निकल रहे हैं, तो हम अप्रॉक्स 8-9 बजे तक फ्री हो जाएंगे। फिर हमारा जो टाइम बचेगा, फिर हम सोचेंगे कि हमें कहाँ पे जाना। दोस्तों अभी मैं आया हूँ नाला सोपारा अपने दोस्त के घर पर, क्योंकि इधर से हमारी ट्रेन है वसई रोड से। थारा भाई धीरज रहते हैं पनवेल में, तो इसलिए आज की रात इधर मैंने स्टे करी और हम इधर से हमारा सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा सफ़र कैसे होता है, किस तरीके से कट रहा है। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो देखते हैं जाके क्या होता है। तो फिर चलिए ट्रिप के मज़े लेते हैं, आप भी मज़े लीजिए, हम भी देखते हैं कि आज का दिन कैसा कटने वाला है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हों तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। बाय। सो दोस्तों अभी हम प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए और देखो अपने दोस्तों की अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है। तो दोस्तों अभी हम नाला सोपारा स्टेशन से निकले हैं, अभी हम जा रहे हैं वसई रोड स्टेशन। वहाँ से अपने एक्सप्रेस है और वहाँ से अपना सफ़र चालू होने वाला है। तो देखो रोशनी क्या कर रही है। गाइस हमारी जो गाड़ी थी 4:45 बजे की थी वसई स्टेशन से, ऑन टाइम दिखा रही थी। हम घर से जल्दी निकले और हमें लगा हमें लेट ना हो, इसलिए हमने ऑटो पकड़ी और डायरेक्ट स्टेशन पर आए, फटाफट टिकट निकाली। बट गाड़ी अभी लेट हो चुकी है, 5:10 हुए बट अभी तक कुछ गाड़ी का आता पता नहीं। देखो हमारी पब्लिक कब से इंतज़ार कर रही है, फोटोशूट चल रहा है, वीडियो शूटिंग चल रही है, रील्स बनाई जा रही है। देखते हैं आगे का सफ़र किस तरीके से होता है। सो कीप वॉचिंग। सो दोस्तों हम फाइनली ट्रेन में बैठ गए हैं, देखो गाड़ी पूरी खाली है। तो हमने टिकट निकाले थे बट हमें टिकट नहीं मिली, तो हम अभी जनरल में बैठे, देखते हैं अभी गाड़ी तो पूरी खाली है, आगे चल के क्या होगा। रोशनी लगा तरी बोलायचं आहे, रोशनी चीज रोशनी बोल ना, आता आता एवढी बुढी बोलत होती ना, आता बोल ना, काय झालं बोल की, अरे बोल ना, अरे बोल ना बोल। गाइस ही लाजत नाही पण आज काय झालं काय माहित नाही। सो दोस्तों जस्ट पोहोचे हे लोणावळा स्टेशन। तो दोस्तों अभी बज गए 8:09, हमारी गाड़ी अप्रॉक्स टाइम पे आई, 7:45 बजे आने वाली थी, सिर्फ 15 मिनट लेट हुआ। बट हमें वसई रोड में गाड़ी ने 1.25 घंटा लेट किया था, उतना डिस्टेंस उन्हें कवर कर लिया। महेश, रोशनी, दीप्ति आणि रवीना एंड मी, तो हम 5 लोग जा रहे हैं आगे लोनावळा। बाकी जो फ्रेंड्स लोग थे, किसी का कुछ ना कुछ रीज़न था, किसी को काम था या फिर किसी को कुछ फैमिली इश्यूज थे, इसलिए कोई नहीं आ पाया। तो आज बस इस ट्रिप पे हम 5 ही लोग हैं, तो देखते हैं 5 लोगों में कितना मज़ा आने वाला है। स्टेशन से बाहर जाएंगे, कुछ खाएँगे, बिकॉज बहुत भूख लगी है, हमने कुछ सुबह से खाया नहीं, बस चाय पी थी। तो अभी देखते हैं बाहर जाके क्या मिलने के बाद हम जाएंगे एकवीर आई दर्शन करने। बस पहले वो दर्शन ले, देन उसके बाद सोचते क्या करना है। सो गाइज नाश्ता रेडी है। सो दोस्तों जस्ट हमारा नाश्ता हो गया, निकले स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको ऑटो स्टैंड मिलेगा, देन उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्रॉस करेंगे तो आपको बस डिपो मिलेगा। अभी हम जा रहे हैं बस डिपो पे, तो उधर से फिर हम बस लेंगे, क्योंकि बस का जो रेट रहता है रिजनेबल रहता है और ऑटो वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो ऑटो यूजुअली नहीं जमती। तो हम जाएंगे बस से। तो अगर आप स्टेशन से निकलते हो तो जो बस स्टॉप है वो अप्रॉक्स 5 मिनट का रास्ता है, जहाँ पे आप बस स्टॉप पे पहुँच सकते हो। उधर एक फिर आई के लिए वो एसटी लगी रहती है, उधर से आप एसटी ले सकते हो। सो गाइस ये सामने वाला रोड है, वहाँ से हम अभी आए लोनावळा स्टेशन से, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है एकवीराई जाने के लिए रास्ता, और जस्ट उसके सामने ये सब बसेस लगी होती है जो कि एकवीराई जाती है।
वाइज ब्रो। सो गाइज अभी हम एक्यूरा बस में बैठे हैं, अभी बस जब फुल होगी तब उसके बाद बस निकलेगी और उसके बाद हम पहुंचेंगे एक्यूरा पाइथागोरस। हाय बाबू, हाय कर, हाय कर, हाय कर, हाय कर। कौन है ये? कौन है? कौन है? हाँ, क्यूट स्माइल। ये मेन हाईवे है जहाँ पे देखो वहाँ पे बस स्टॉप है और ये है वेरे गांव जो कि एक्विराई का जाने का पॉइंट है। सो गाइज अभी हम जस्ट एसटी से उतरे हैं, अभी जा रहे चल के। हम ऑटो से जाने वाले थे बट इधर से ज़्यादा लंबा नहीं है, अप्रोक्स एक किलोमीटर के दायरे पे है अपना एक्वेरियम माथे का पायथा। तो हम सोचे कि चल के जाएंगे, तो पीछे से पब्लिक अभी आ रही है, सब लोग चल के जा रहे थे, बोला चलो चल के जाएंगे, थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, इधर का एरिया समझेगा, तो इसलिए हमने ऑटो नहीं ली, हम जा रहे चल के। तो आप अलग सी वाइब और एक अलग सा मतलब फील हो रहा है, बट आई डोंट नो क्या है बट अच्छा लग रहा है। आमच्या ग्रुपमध्ये सगळे चुलबुली नटकट परी म्हणजे ही ए ते बघ ना, हे बघा ये रोशनी, रोशनी बाई शी इज रवीना अँड शी इज ब्युटी, शी इज सायलेंट गर्ल, शी इज इनोसेंट, असं बोलता विषय करत आहे। दाखव की तू प्लीज दाखव की ब्युटी। We already lost, addicted to the ride. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it hard, 'cause reality will never be good. Ha, मित्रांनो आम्ही अप्रॉक्स एक किलोमीटर चालत आलोय, शेवटी फायनली आम्ही एकविराईच्या पायथ्याशी पोहोचलोय। हा बघा इथे गेट आला आहे आपला, आणि आता थोडंसं इथे मस्तपैकी थोडं थंड पिणार आणि पुढे जाणार। हे बघा पार्टी पब्लिक आपली इथे। सो बहुत अच्छा लग रहा है, अजिबात कळलं नाही आम्ही 1 किलोमीटर कधी क्रॉस केला आणि कधी पोचलो इथे, कारण का एवढी पब्लिक जाते इथे रस्त्यातून, तर फीलच झालं नाही की आपण एकटं चालतो या फिर थांबलो आहे, अजिबात नाही। फक्त थोडंसं ऊन कडक आहे बस, आणि काही नाही, पण देवीची कृपा आहे, कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही, हॅपी फुल इथे। हे दिसते टोक, इथे आम्ही जाणार आहोत, देखते आहे हमारा सफर किस तरह कैसे सक्सेस होता है। तो अभी हम निकलने वाले हैं दर्शन के लिए, जो भी सामान लगने वाला है पूजे के लिए वो लेंगे और उसके बाद जाएंगे। मित्रांनो इथून आपला पायथा स्टार्ट झालाय आणि अजून आपल्याला खूप चालायचं वरपर्यंत। दीप्ती ओटी घेतली का? बहुत थकावट महसूस हो रही है। आंटी इधर देखो ताकनी मुसर बेच रही है। आंटी कैसा है? पौराणिक कथेनुसार हे मंदिर पांडवांनी त्यांच्या वनवासाच्या काळामध्ये बांधले होते। एकदा पांडव या पवित्र ठिकाणी आले असताना त्यांच्या समोर प्रत्यक्ष एकविरा माता प्रकट झाली होती आणि तिने त्यांना तिथे मंदिर बांधायचा आदेश दिला, पण तिने त्यांची परीक्षा पाहण्यासाठी एक अट घातली की पांडवांनी हे मंदिर एका रात्री बांधावे। पांडवांनी हे मंदिर एका रात्री बांधून दाखविले, त्यामुळे त्यांची ही भक्ती पाहून देवी प्रसन्न झाली आणि वनवासानंतर त्यांच्या 1 वर्षाच्या आज्ञात कोणीही ओळखू शकणार नाही असा वरही तिने पांडवाला दिला। एकविरा देवी हा रेणुका मातेचा अवतार आहे, तथापि कार्बन पेंटिंगनुसार असे आढळले जाते की या मंदिराची बांधणी 2 कालखंडात झाली आहे, इसवी सन पूर्व 2 पासून ते इसवी सन शतक 2 पर्यंत आणि 5व्या शतकापासून ते 10व्या शतकापर्यंत।
गाइस अभी दोपहर के बजे हैं 12 और हम जो 10 बजे स्टार्ट किए पाइथा से ऊपर जाने के लिए तो हमें अप्रोक्स 11:30 बज गए, मतलब 1.5 घंटे तक हम चल रहे थे सीढ़ियों से, क्योंकि इतना रश था, इतना पब्लिक का जोन था ना जैसे आपने देखा है, तो इसलिए बहुत लेट हुआ। और हमारा एक गलती ये हुआ कि हमें पता नहीं था कि दर्शन के लिए एक अलग लाइन होती है और हमने वो रास्ता भटकाया और डायरेक्ट ऊपर आ गए। फिर ऊपर जाके हमें पता चला कि इधर एक दर्शन के लिए लाइन होती है जो कि लग चुकी है, तो हम इधर फिर सिर्फ फ़ोटो शूट करें क्योंकि हम लाइन भूल गए थे और फिर नीचे जाना वापस वो पॉसिबल नहीं था। तो हमने दूसरा जो पॉइंट है कि इधर से हमें सिर्फ देवी का मुख दर्शन मिलता है, तो बस जो अपने फ्रेंड्स हैं वो दर्शन लेने गए, मैं तो बीच में गया, अभी जस्ट जाके आया और हमें पूरा दर्शन देवी का नहीं मिला, नहीं ले पाए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, हमें पता नहीं था। अब सेकंड टाइम में जब अभी आएंगे आपको प्रॉपर व्यू देंगे इधर का, देखो कितनी सारी पब्लिक है, अभी पब्लिक बढ़ रही है तो कम ही है, अभी बढ़ेगी। एंड गाइस दूसरा पॉइंट अभी कि इधर से देखिए, इधर से आपने एंट्री गेट है और ये लेनी है जो कि हमें अभी देखना है, तो टिकट लेना है। अभी हमारे जो दोस्त गए दर्शन लेने, जैसे दर्शन लेके आ रहे वैसे हम जाएंगे टिकट लेंगे। सो गाइज आता महेश तिकीट्स घेतो आमच्या सगळ्यांच्या, आणि मित्रांनो जर इंडियन विजिटर्स असतील तर त्यांना पर पर्सन 25 रुपीज, आणि अगर तुम्हाला व्हिडिओ कॅमेरा शूट करायचा आहे तर त्याच्यासाठी जो वेगळा चार्ज होतो 25 रुपये आहे। फॉरेन विजिटर्स असतील तर त्यांना 300 पर पर्सन आहे। गाइज वीडियो करने के लिए इधर मनाही है, फिर भी मैं वीडियो कर रहा हूँ। तो देखो पीछे अपनी मंडली बैठी है, हमने पूरे लेने अभी घूमने वाले हैं। अलग पूरी
सो गाइज अभी जस्ट हमारा लंच हो गया, अभी बजे दोपहर के 2:30। अभी लंच हो गया, हमने मस्त एंजॉय किया, देवी का दर्शन हुआ, बट हमें बाहर से हुआ क्योंकि हमारे अंदर से हमने लाइन नहीं लगाई थी, इसलिए हमें दर्शन प्रॉपर नहीं हो पाया। तो गाइज बहुत अच्छा फील हो रहा है इस इधर आके, और एक सुकून सा फील हो रहा था। तो डोंट फॉरगेट, सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।